हेलो दोस्तों, हिमांगी मेरे को स्टेशन छोड़ने के लिए आ चुकी है। रेलवे स्टेशन यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। और हिमांगी शांति से घर पे आना, ठीक है? अच्छे सेफ ड्राइविंग करके, क्योंकि सिटी में ट्रेन लेट हो रहा था तो फिर इसलिए भैया व्लॉग बना रहे हैं। खैर, मेरा ट्रेन 2 ही मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा, ये रहा प्लेटफॉर्म, मेरे को पता है यहाँ पे। अच्छा ठीक है हिमांगी, डिक्की में जो भी सामान रखना है रख लो, शांति से सेफली जाना, ठीक है? बोलना है तुमको कुछ? तो दोस्तों मेरे साथ है महेश भाई। तो महेश हाय, मुझे भूख लगी है। ओके, मैं खाने पे फोकस कर रहा हूँ थोड़ा सा। बराबर भाई, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है, ठीक है? सो मच। तो आप अकेले अकेले क्यों खा रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। अच्छा, हम कैफे में, लेकिन वहाँ पे क्या खाना और कब मिलेगा पता नहीं, तो मनोज जी लाए थे हमारे। बजट भी नहीं है शायद आपका। बजट तो है। ओके बराबर, हमारे पास स्पॉन्सर से। लेकिन कोई बात नहीं, इसे क्या थोड़ा सा काम चल जाएगा, बराबर थोड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, इसको इधर ही रखेंगे। मैं उधर अनाउंसमेंट करके आऊँगा, इधर खाऊंगा, फिर आऊँगा खाऊंगा आऊँगा जाऊँगा खाऊंगा। ओके, ये बताओ ये भाई कब से हमको देख रहे हैं, इनके बारे में क्या बोल रहे हो? हाय, जबरदस्त स्माइल। हाय, आपका नाम? आ जाओ आकाश भाई, इधर आ जाओ आकाश भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे बैठो बैठो। अरे नहीं नहीं, मेरे को नहीं। आ जाओ आ जाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप परफॉर्मर हो कि फिर? नहीं नहीं, मैं तो अपने दोस्त के साथ ही आया हूँ। कौन है आपका दोस्त? वो बनी है क्या ना वो? अच्छा, वो बनी के साथ आया, वो बनी कैमरामैन अपना। आप बीच में रहो, आप गेस्ट हो। ओके, तो आर्ट विंडो अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, प्रोसेस चालू है हमारे, लेकिन आप मान सकते हो एनजीओ है, जैसे आर्टिस्टिक इवेंट्स करता है, आर्ट एग्जीबिशन, ओपन माइक, हेरिटेज वॉक। अच्छा, और अभी हमारे टॉक शो भी आ रहे हैं और कई सारे इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमारा एक मोटो है कि कोई भी इवेंट में आर्टिस्ट को पे ना करना पड़े, उसको एग्जीबिशन में जाके ये ना बोलना पड़े कि मुझे 200 रुपये 300 रुपये देना पड़ेगा मेरा आर्ट दिखाने के लिए, मतलब फिर मुझे स्टैंड अप करना है, पोएट्री करनी हो, तो उसके बदले में मुझे पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ, हमारे जो को फाउंडर विश भाई, उनके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, तो फिर हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। और जितना भी खर्चा होता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में हो जाता है, खर्चा होता है बहुत सारा, जितना भी होता है हम सब 7 दोस्त हैं, 7 मेंबर्स हैं, वो सारे मिलकर उठाते हैं उतना, और ट्राई करते हैं कि बहुत अच्छा काम करें। बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने बताया बनी है, कोई भी हमारी इवेंट्स होती है उसमें फ़ोटो लेने का काम वो करते हैं, जय मिस्त्री करके वो भी वहीं पर होते हैं। लेकिन बहुत सपोर्ट है खास करके दोस्तों का, और इन सभी दोस्तों की वजह से, मनोज जी की भी बात करें, आनंद से पूरा इधर आए, तो लिटरली में खर्चा आता है आनंद आने जाने का, इनके साथ चिक्की लाने का, इतना बहुत सारा खर्चा होता है। थैंक यू सो मच कि आप आए और हमको कवर किया खास करके। थैंक यू। पहली बार, एक सेकंड, आई एम सॉरी फॉर कटिंग यू। अरे नहीं नहीं, पहली बार मुझे मौका मिला एक टीवी के एंकर को खुद ही कवर करने के लिए। अच्छा देखो क्या बता रहे, बनी जागते हुए, बनी यहाँ से देख रहा है हमको, कोई बात नहीं, मैं वापस आता हूँ। हाँ हाँ, तो भाई मेरे को जरा बताओ कि यहाँ पे आपको आके कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा? ये सभी की आर्ट्स देखी मैंने। अच्छा जी, आ जाओ बनी भाई, बनी भाई आप भी आ जाओ, बनी भाई पहले खाना खाने दो। अरे बनी भाई पहले खाना खाना चाहते हैं, आर्टिस्ट भूखा है अभी। सही बात है, पूरे इवेंट में उनको आर्ट दिखाना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो वेट कर रहे हैं मेरा फोटोग्राफर में। क्या बात करते हो, देखो हमने इतने अच्छे सिनेमेटोग्राफर बोला था। बिजी है बहुत, बनी भाई बिजी है, और हम मिलते हैं आपको आगे और किसी और के साथ। भाई आ जाओ, चलो भाई भाई भाई, इधर आ जाओ। अरे भाई मेरे को मत, अरे आ जाओ, नहीं ये इतने आर्टिस्ट लोग इतने शर्मिले क्यों होते हैं? मेरे को बताओ आपका आर्ट वर्क कहाँ पे है, ये पीछे वाला सब आपने बनाया? ये मेरा है। अच्छा, तो क्या सोच के बनाया था? बस यही है, शिव की बारात है, शिव नाच रहे हैं आजू बाजू, उनके भक्त नाच रहे हैं। मेरे को दिख रहा है इसमें झंडे वंडे और कलरफुल काफी लगाया आपने, सही है? कुछ बावे स्केलेटन्स है, देवता है। क्या बात है, काफी बढ़िया लग रहा है। और मेरे को बताओ कि आपका बैकग्राउंड क्या, आप करते क्या हो एग्जैक्टली? मैं लास्ट ईयर पढ़ रहा हूँ मैकेनिकल इंजीनियर। अच्छा, तो ये आर्टवर्क का कब से चालू है आपका? बचपन से। क्या बात है, और इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है आपको? इंस्पिरेशन से मतलब, इंस्पिरेशन देखो ना, बचपन से कुछ बना रहा है, फिर होता है कि चलो इसमें इम्प्रूव करते हैं, ये करते हैं, ऐसे ऐसे करते करते आगे आगे देख रहे हो रिजल्ट, इम्प्रूवमेंट हमारा। सही है भाई, मिलते। ओके, वेयर इज द आर्टिस्ट?
यस यू आर द आर्टिस्ट। बताओ ये आपने कब बनाया था? 2019। क्या बात है, और बनाने के पीछे इंस्पिरेशन क्या है आपका? उस टाइम तो मतलब कोरोना था तो टाइम ही टाइम था, अभी तो जॉब में टाइम ही हुआ। ओके ओके, टाइम था तो कर लिया, टाइम था तो कर लिया, कोई बात नहीं। क्रिएटिविटी कभी मरती नहीं है, वो जब भी होती है तो दिख जाती है, ठीक है, सही बात है ना? कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड। और मेरे साथ जय भाई है, इन्होंने पूरा मैनेज किया हुआ है, ठीक है। डिस्टर्बेंस आ गया था, सॉरी। तो कैसे आपने मैनेजमेंट किया, क्या क्या तकलीफ आई बताइए हमें। अरे कोई बात नहीं, कोई होता 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 है, ये कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं आना चाहते। सो क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आपका भी नाम मुस्कान है, एक और आर्टिस्ट है मुस्कान वहाँ पर। कोई बात नहीं, तो ये पीछे जो भी मैं आर्टवर्क देख पा रहा हूँ यहाँ पे सारे, वो आपने कब बनाए और कैसे बनाए? ये सब मैंने तब बनाया जब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अब कुछ कर नहीं सकती लाइफ में, कुछ भी से डिप्रेशन में मोमेंट पे बनाई मिस्टी। और कुछ कुछ ऐसे ही थे कि जिसको एक दिन में बना लिया, जिसको दो मिनट में बना लिया, ऐसे भी आर्ट वर्क। क्या बात है, रियली इंस्पायरिंग है। और आपने कभी पहले ऐसे एग्जीबिशन किया हुआ है? नहीं, ये मेरा पहला है। तो कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है आपका अभी अभी तक? ये अभी तक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब। बराबर, कुछ लोग आपको मिले होंगे और उन्होंने रिव्यूज भी दिए होंगे, कुछ दिए अभी अभी तक आपको? अभी हाँ, सब मोस्टली पॉजिटिव थे और काफ़ी ऐसे था कि कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो कोई बात नहीं। क्या बात है, दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। आर्टिस्ट ये तो जैले का है। ओके, आर्टिस्ट कोई है इधर? फोन पे बिजी है आर्टिस्ट, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ है मुस्कान, राइट? आपका पूरा नाम बताओ और आपका बैकग्राउंड क्या है? मुस्कान यादव। साइड में बीकॉम कर रहा हूँ, मतलब समझ नहीं आया। बंद 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 नहीं है, चालू रहेगा। आजा आजा आजा, अभी आर्ट के बारे में बात करना बाकी। अच्छे से? हाँ अच्छे से। अच्छा मेरे को बता, ये बीकॉम कर रहे हो आप, ठीक है? हाँ। तो ये सब आपको करने का टाइम कैसे मिलता है? ये मेरा मेन की थी, मुझे ये करना है, मेरे को आर्टिस्ट बनना है, बट एक साथ में डिग्री भी आनी चाहिए, इसलिए मैं बीकॉम कर रही हूँ। बट okay. ये मैं पार्ट टाइम कॉलेज के बाद कवर में कर लेती हूँ। तो ये सिक्योरिटी के लिए मतलब कर रहे हो जॉब? नहीं, मेन तो इसमें ही जाना है, मेन ये इसमें जाना है, आर्टिस्ट ही बनना है, बट डिग्री एक सिक्योर के लिए मैं कर रही हूँ बीकॉम। समझ गया समझ गया। और जैसे मैं सबसे पूछ रहा हूँ, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है सब करने का? खुद से। और ऑटो कब बनाते? कब? रात को, दिन भर पढ़ाई और रात को ऑटो। सही है यार, मानना पड़ेगा, शेड्यूल काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। और कुछ आप मैसेज देना चाहते हो आपके ऐसे और यंग आर्टिस्ट अगर देख रहे हो आपको तो? कोई बोलना, मैं काट दूंगा। दोस्तों आपको आर्टवर्क नहीं करना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आर्टिस्ट आपको बता रहे। करना चाहिए आपको, आर्टवर्क करना चाहिए, इससे बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत गुड वाइब्स मिलती है, आपको बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल यही सुनना चाहता था मैं, थैंक यू वेरी मच। तो कुछ यहाँ पे नटेला है यहाँ पे यार, और यहाँ पे ओके। सो ये आपने बनाए? अच्छा, तो आप, मेरे को भी एक सवाल था, आप घर कब जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ, आपको उससे क्या मतलब है? नहीं मुझे पूछना, ये पर्सनल नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है आपका? कौन से वाले पेंटिंग आप बताओ? ओके, तो ये वाले आपके? That first Shiva one and then this all, okay. बराबर है, ओके, सो नाइस। एज यूजुअल आपके साथ भी वही वाला सवाल, कैसे कर लेते हो? ये एक्चुअली मेरी डीपली हॉबी है, तो आराम से हो जाता है, जब भी मन करता है उठाया पेन पेंट ब्रश एंड समथिंग, सारा सामान लगा दिया, क्या हुआ मन करा वो सब
तो आप एक्चुअली इसी फील्ड में ही हो मतलब कि नो एक्चुअली मेरा प्रोफेशनल है कि मैं एडवोकेट हूँ इन गुजरात हाई कोर्ट. अच्छा. तो जैसे जब भी फ्री मिलता है वीकेंड्स या समथिंग जो भी छुट्टी आती है हॉलीडेज आती है या फिर रात को बैठ के कर लेते हैं जब भी मन करता है क्योंकि तो एक डिग्री वो भी हो जाती है तो उसमें माइंड फ्रेश करने के लिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है. और इसको पेंटिंग करती हूँ तो जो भी मेरे माइंड में होता है वो सब पेंटिंग में आ जाता है. जो भी कलर होते हैं वो भी सब पेंटिंग्स में आ जाते हैं. समझ गया समझ गया. और आपने ऐसे पहले एग्जीबिशन किया हो? दैट इज माय फर्स्ट एग्जीबिशन. दिस वन? या आई एम सो एक्साइटेड. तो आपको कैसे पता चला ये आर्ट विंडो के इस प्लेटफॉर्म के बारे में? बिकॉज जॉय इज माय फ्रेंड एंड उसने मुझे बताया कि तुम एक बार करो यहाँ पे. अच्छा. स्टार्ट करो तुम थोड़ा टाइम और पुट करो. अच्छा. और प्रैक्टिस करो और अच्छा होगा. क्या बात है. मतलब ही इज अ मोटिवेटेड टू मी. बराबर है. सही है सही है. नाइस मीटिंग टू यू. थैंक यू. नॉर्मल वॉच इट टेड टॉक्स. तो मिस कम हियर. मिस श्रेया. ओके. तो ये पीछे आपके आर्ट वर्क्स रखे हुए हैं. अच्छा ये वाले. तो आप गलत जगह पे खड़े हो. हाँ. वैसे आप यहाँ द आर्ट विंडो के इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप क्या कहना चाहोगे अपने दोस्तों को? फर्स्ट ऑल कैसे फॉर दिस प्लेटफॉर्म. ओके. और आपको कैसे मालूम पड़ा आर्ट विंडो के बारे में? इंस्टाग्राम से. अच्छा ठीक है. एज यूजुअल सबको ऐसे बोल रहे बराबर. सही है. तो आपको मतलब ऐसे कैसे मतलब आपको मोटिवेशन मिलता है सब करने का या अपने फ्री टाइम में एज एन हॉबी करते रहते हो? पिज्जा कहाँ पे है? पिज्जा है कहाँ पे? राउंड होता है ना मेरे को. okay. पिज्जा जैसा लगता है. ओके ओके. इंस्पिरेशन पिज्जा है. पिज्जा खाते रहने का और ये करते रहने का. बराबर. आपने ये सारा आर्ट वर्क पिज्जा खाते खाते बनाया? रिवर फ्रंट का बेस्ट है. अच्छा रिवर फ्रंट भी कॉमन है. और पिज्जा खत्म हो गया तो? पिज्जा खत्म हो गया नहीं खत्म हो जाए ना तब तक पिज्जा चलता. पिज्जा भी तब तक चलता है. एक पिज्जा और एक आर्ट वर्क. दैट्स इट. एज सिंपल एज दैट गाइस. आर्ट वर्क इतना ईजी होता है. ठीक है. नाइस मीटिंग. तब तो ताज पलट देते हैं. और एक तुम हो जो अपने वादों को हकीकत में ना बदल पाए. एक तुम हो जो अपने वादों को हकीकत में ना बदल पाए. बाकी अगर सच्चा आशिक चाहे तो मौत का भी रुख बदल देते हैं. थैंक यू सो मच. लव यू गाइस. आना हुआ मेरा समय तो वहीं पे ठहरा रहा. बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ. Thank you so much. That was my choice. बहुत मस्त. बहुत मजा आएगी. दोस्तों फिलहाल मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे हूँ और फिलहाल आज का जो ओपन माइक था वो बहुत ही बढ़िया ओपन माइक था. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई दी बेस्ट ओपन माइक फ्री आर्टिस्ट के लिए फ्री में प्लेटफॉर्म मिलता है. वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं और भी ऑडियंस गेन कर सकते हैं. उनके आर्ट को पूरा का पूरा लाइक पूरा यू नो अप्रिशिएशन मिलता है बेसिकली. और कोई भी नया आर्टिस्ट है उसको फ्री में प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है. तो द आर्ट विंडो में मैं गया था भाई. बहुत सीरियसली बहुत ही गूज़बम्प्स वाला लाइक पूरा एटमोसफियर था वहाँ पे. और वो ख़त्म करने के बाद बेसिकली वहाँ पे मैं यहाँ पे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे आया हूँ. मैं आपको दिखा सकता हूँ. मेरे बैकग्राउंड में तो दिख ही रहा है. एक इंजन रखा हुआ है पूरा एक्चुअल पुराने ट्रेन का. और यहाँ ऐसा कुछ दिखता है अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन. पर मैं आपको बता दूँ कि द आर्ट विंडो के अंदर लाइक ऐसे ऐसे नए नए मतलब यू नो आर्टिस्ट आए थे. उसके अंदर कुछ यूनिक भी थे. लाइक वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाए थे मुँह से बजाने वाले. फिर वो पता है वो राजस्थानी आर्टिस्ट वगैरह जो बनाते हैं वो सब राजस्थानी आर्टिस्ट वगैरह जो बजाते हैं बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट लाइक पता नहीं वो अंकल कहाँ से आए थे कैसे आए थे बट उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया. उनको फंड्स मिल गए थोड़े से. लाइक वो इम्प्रॉम्प्टू था लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा है एक्चुअली.
तो ये सारा जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब दी बेस्ट था बॉस, सीरियसली बताता हूँ। द आर्ट विंडो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, मैं इतना बोल रहा हूँ, मतलब मैं यूजुअली किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मतलब सोच समझ के बोलता हूँ, तो ये चीज़ हुआ मतलब मेरे साथ, और काफ़ी बढ़िया था। बेसिकली ऐसा सीन रहा मेरे साथ, और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ एंट्री के तरफ, यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा और उसके बाद फिर यहाँ से आनंद के लिए ट्रेन लूँगा और उसके बाद सीधा मैं अपने घर पहुँचने वाला हूँ। चलो भाई मिलते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी आई होप क्लियर, ठीक है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कोई नहीं है बेसिकली यहाँ तो, और मैं चिल होके घूम रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में देखो कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे। और मेरा नाम है मनोज, आप देख रहे हो मंचाओ व्लॉग्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ लाइफ के हिस्से और ज़िंदगी के किस्से, ठीक है। तो ये चीज़ है, लुक छुप ना जाओ जी, मन दीद करावो जी, है क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी, मन से ले वो ना पंगा जी मैं कर लगी, मारे हिबड़े न जागी नौकरी वे चंदा मैं थारी, चांदड़ी नन दामन से बाधी कुसीर, झुम 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 झुम।